खरीफ सीजन में प्रकृति की मार और आसमान में बरस रही बारिश की बूंदों से किसान लगातार आहत हो रहा है। जाता हुआ मॉनसून फिर से किसानों की चिंता बढ़ा रहा है और खेतों में ही मेहनत भरी उम्मीदों के साथ ही फसल भी पानी पानी हो रही है। लगभग हर दिन हो रही बारिश से मंदसौर जिले की सभी तहसीलों में अधिकांश खेतों में पानी भर गया है और यह मालवा का पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसल को खासा नुकसान पहुँचा है। कई जगह खेतों में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल निकलवाने के दौरान भी किसानों की आंखों में आंसू आ गए। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तालाब बने खेतों में से सोयाबीन उठाने के बाद सुखाकर निकालने की मशक्कत किसान कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों से जिले में बारिश का दौर थमा हुआ था तो किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब सीतामऊ क्षेत्र सहित अन्य जगह लगातार 2-3 दिन से हो रही बारिश फिर से चिंता बढ़ा रही है। फसल में हो रहे नुकसान के बीच ना तो सर्वे हो रहा है और ना ही किसी स्तर से राहत की बात। खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन, उड़द और मक्का है, लेकिन इस बार लगातार बारिश और कभी बारिश की खींच से नुकसान का दौर भी लगातार जारी है। बोवनी के बाद बारिश की खींच तो इसके बाद आफलन और पीला मोजक ने नुकसान किया है। इस सीजन में ही नहीं, पिछले सीजन में भी अल्प वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था और इससे पहले 2019 में भी बाढ़ से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वहीं अब तक जिले में सोयाबीन की फसल लगभग 60% तक खराब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।